क्या हुआ? कुछ नहीं यार, एकदम से जहाँ जाओ वहीं चला रही। तुमको चाहिए क्या? क्या है काम? क्या है तुम ये बताओ, तुम हमको वहाँ पर हमारी बेइज्जती कर दिए थे। हाथ हटा, हाथ हटा, ऐसे बोल दिए थे उस पे से। तो हमको तेरा था क्या वो, तुझ पे हाथ रखा? मेरा नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान हाथ रख दिया तो ऐसे मत बोलो ये हाथ हटा। अच्छा हाँ। क्या कहना चाहिए? मेरी भी तो कुछ इज्जत उज्जत है। अच्छा। भले मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, इज्जत है क्या? हाँ। पता ही नहीं था। मेरे घर के हर बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, करते छोटा छोटा है बच्चा, फिर भी भैया जी कैसे हो? भैया जी नादान है ना, उनको पता नहीं है किसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, घर में सबसे छोटे तुम ही होगे ना? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, मेरी उम्र क्या है मालूम है? हाँ? नहीं, तुमसे ज्यादा है। अरे तो हो गई ज्यादा, इसमें कह मत भिड़ो। अरे यार ये खुद आग भिड़ रहा है, तो अपना काम करो ना यार, जाओ। काम क्या करूँ बताओ, दोपहर में आके पूरा पढ़ा, वहाँ पे जो जो लिखा था सब पढ़ लिया। एक काम करो, तुम उस वाले पेड़ पे जाओ, उसमें आम लगा हुआ है। एक काम करो, जाओ आम कहीं से तोड़ ले आओ, जाओ आम कहीं से तोड़ ले आओ। तीन चार फल हैं, जाओ 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 आम तोड़ के लाए। हैं जाओ, पके हुए लाना। पके हुए आम तो जाना नहीं यहाँ से? हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ, हम यही अपना घर बना लेते हैं ना, घोसला बना लो घोसला। चिड़िया जानते हैं? चिड़िया, चिड़िया कबूतर, वो सब घोसले में रहते हैं। अच्छा हाँ। हमें लगा वो लोग घर में रहती हैं। घर में नहीं रहते, घोसले में रहते हैं। आप लोग घोसले में रहते हैं? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? बिल में? बिल में नहीं, घर में। चूहे के बिल में सांप रहता है, हमारे घर पे निकला सांप, ठीक है। अब सांप की कहानी लेके खड़ा हो गया। अरे जाओ भाई तुम यहाँ से जाओ। कल निकला रात में। किसकी बिटिया हो आप लोग? क्या करेंगे आप जान के? तो ऐसे ही पूछ लिया। शंभू ठेकेदार की बिटिया है। शंभू ठेकेदार पानी टंकी जो बनाया है? हाँ। अच्छा, बंदूक लेके चलते हैं ना, तुम्हारे पापा है वो? हाँ। बड़े आदमी वो तो, उसमें क्या हो गया? मालूम है, डर लग रहा है उनकी बिटिया ने, इसके लिए उनके पास में बंदूक भी है। चले जाओ वरना आते ही होंगे, वो देखेंगे तुमको, गोली मार देंगे ना। कुछ बोलना नहीं हमारे बारे में, बोल देना कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम तुम्हारी मतलब वहाँ अच्छाई क्यों बताने जाएं? तो क्या हुआ, बोल दोगे? क्यों बोल दे भाई, तू कौन? मैं खाम मुखा वाली बात कर रहे हैं। हाँ तो कुछ मत बोलना कि हम जो है यानी कि बाग में आए थे, टंकी के पास पड़ रहे थे, मत बोलना उनको। अच्छा, तो हमारे ऊपर गुस्सा हो गए तो है ना। टंकी के पास तो अब तुम मत जाना। क्यों? वहाँ के टंकी के मालिक कौन है तुम्हें पता है? हाँ, तुम्हारे पिता जी, इसलिए उस दिन तुम्हें वहाँ से हटने को कह रही थी। अब यहाँ से जाइए आप। मालूम है टंकी जो है बहुत अच्छी है, उस पे हम चढ़े थे, ऊपर गए थे चढ़ करके, मालूम है पूरे खेत जो थे कि जो खेत हैं सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे ऊपर से, और गांव तो बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है, अब तुम जाओ, हम लोग कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है तो कर लो, तुम जाओ ना, हमें पर्सनल कुछ बात करना है। मतलब पर्सनल मतलब? अरे तुम तीन तक पढ़े हो ना, इतना तो पता ही होना चाहिए। लो, पर्सनल का मतलब जो है, अब जब पर्सनल हम पढ़ा भाई नहीं भाई कभी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तुम जाओ ना, हम लोग को बात करनी है। हमको बता दो ना पर्सनल किस लिए बताए यार, किस लिए बताए? खुद गलती करती हो और कहती हो पर्सनल। किसने बोला? हमने बोला, आप लोग बोले पर्सनल, तो बताओ पर्सनल का मतलब क्या है? दीदी इसको भगाओ यार यहाँ से, हम ही लोग चले जाएं यहाँ से। नहीं, हम नहीं, लोग चले जाएं। तो बता दो पर्सनल का मतलब क्या है? अरे आप जाइए, आप बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, आप जाइए जाइए। तो हमें लगता है पिताजी से शिकायत करनी पड़ेगी। हमको भी लगता है करनी पड़ेगी पिताजी की, मत करना शिकायत हमारी। करेंगे आप? नहीं नहीं, देखो तो तुम यहाँ से जाओ पहले। जाएं? हाँ जाओ। शिकायत नहीं करोगे? करेंगे।
करोगे? नहीं, नहीं, नहीं चले जाएंगे तो नहीं करेंगे जय। हाँ अगर तुम चले गए तो नहीं करेंगे। कसम खाओ। क्यों? कसम खाओ ना भगवान। नहीं खाएंगे कसम। कसम वगैरह कुछ नहीं होते। अब आप जाइए। हाँ तो फिर कर दिए तो झूठ बोल करके कि हम नहीं करेंगे शिकायत। अगर हम अब भी कर दिए शिकायत तो आप क्या करेंगे? तुम भाग जाएंगे गांव छोड़कर। हाँ तो तुम जाओ यहाँ से पहले। जाओ यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? सच में पागल है। कितना मजा है ना? बहुत। हाँ यार मन तो कर रहा है फिर से चले जाए। अब पिताजी डांटेंगे बार बार। बोले थे खड़ी रहना आके घूम लेना। तो है घूमने के बाद घर जाने को बोला था उन्होंने। अच्छा वो कौन था दीदी जो बार बार पीछा कर रहा है? वो लड़का? हाँ कहाँ मुझे क्या पता यार कौन था। पता नहीं क्यों इतना पीछा करते हैं। मतलब पहले टंकी पे मिला उसके बाद आम के पेड़ पे। कितना जिद्दी है जी। बोलता कितना है। मैं बहुत गुस्सा आ रही थी। बोलता जाएगा चुप होने का नाम है। कैसे कह रहा था? मैं ना पढ़ा लिखा हूँ। कितना? तीन क्लास। ये यार हम क्या सोच रहे हैं? वो जानबूझ के तो नहीं करता। पता नहीं यार गरीब लोग ऐसे वैसे ही होते हैं। हमसे क्या। लेकिन फिर भी यार पीछा कुछ ज्यादा ही तो ना। दोनों बार मिल गया और इतना बोलता है जाता नहीं जल्दी। बात होनी कितना ज्यादा। एक बात ले लेगा बस उसके पीछे पड़ जाएगा। कैसे? पर्सनल क्या है? पर्सनल क्या है? क्या पर्सनल बात करेंगे आप लोग? हर चीज बता दो उनको। इनका हर चीज बता दो। थोड़ा पता नहीं दिमाग शायद इसका। हमको तो लगता है पागल है। कोई आज तक देखे भी नहीं ना उसको यहाँ पे। जिंदगी में मैं नहीं देखी हूँ, पहली बार देखी हूँ। कैसे कहता मैं वहाँ हाथ रखा था। किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बेइज्जती हुई थी मेरी। बताओ उसको अपनी बेइज्जती पड़ी। आने तो पिता को जी को बताएंगे। मुझे लग रहा बताना चाहिए वरना फिर बाद में क्या करेंगे बता के। दो बार मिल गया ना इसीलिए सोच के बता देती हूँ। ठीक है सही कह रही हूँ। तुम बता देना चाहिए। आने दो पिताजी को। अभी तक आए भी नहीं। बोले थे यहीं पे रहना। उनकी मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही है। क्या किया जाए। वैसे अब मिलेगा अगर वो अच्छे से मजा चखाऊंगी उसको। भगाते ना उसे। हाँ, टिका रहता। उसका मन था हम लोग के साथ और रहने का। पता नहीं क्या चाहता है समझ में भी नहीं आता उसका। अकेले दिमाग का थोड़ा सा वो लगता है इसीलिए नहीं बोलती कुछ। हाँ अकेले घूमता रहता है। क्या करें फिर हम लोग वेट करें? नहीं यार पिताजी ने कहा था ना कि घर चली जाना घूम के। चलो चलो तो घर चले। हाँ चलो चलो। यार कितनी तेज गर्मी है। अगर अब वो पागल मिलेगा अच्छे से झाड़ा जाएगा। अरे तब तो पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। अब पिताजी भी आते होंगे मीटिंग खत्म करके। हम लोग घर चलते हैं। जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। कहेंगे तुम लोग घूम ही रही हो इतनी देर तक। और चिल्लाएंगे टंकी फेरने के लिए कितना मना किए। अच्छा वो पेड़ पास बिना बताए हम लोग चले गए। कितनी धूप है ना। अब जल्दी जल्दी चल घर। पता है अगर अब वो लड़का मिला ना उसकी ना अच्छे से क्लास ली जाएगी। और वैसे उसकी कोई गारंटी नहीं कभी भी कहीं मिल सकता है। कहीं भी मिल सकता है। अब चलो।